हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर तो इस वीडियो में आप स्टार्ट कर रहे हैं क्लास इलेवन के लिए एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन तो so, एक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं जो कि ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे था तो so, वहां पे हमने फंक्शंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पढ़ा था और आपने पूरी टेबल को कम्प्लीट किया था जो हमारी टेंथ क्लास में जीरो टू नाइन्टी तक थी अब हमें इस टेबल uh, को पढ़ने के बाद में जो भी कोई भी एंगल अगर आपको गिवन है तो उस टेबल की हेल्प से हम उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं नाउ अब देख रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक

स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास तो कैसे भी करके आप इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं तो ए का मतलब होता है यहां पे ऑल यानी कि इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं एस का मतलब यहां पे होता है साइन तो यहां साइन और कॉ पॉजिटिव होते हैं यहां पे टी का मतलब होता है टेन तो यहां पे टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं और ये होता है सी तो सी यहाँ पे कॉस और सेट पॉजिटिव होते हैं ठीक है तो ये आप कैसे याद करना है या कैसे ये आया है पहले हम यहां पे डिराइव करके देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे हैं अगर ने ये derivation देख लिया कि ये क्यों क्यों पे positive है, यहाँ पे है है तो easily आप उसको क्या भूलोगे नहीं इजीली आप उसको समझ पाओगे तो सबसे पहले वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया यूनिट सर्कल से तो यहां पर भी आपको क्या करना है एक सबसे पहले एक यूनिट रेडियस का यानी यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है ओके okay, तो हमने यहाँ पे एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना लिया सेम जो कि एक्सिस के ऑरिजन से सेंटर लेकर के पास हो रहा है ओके okay? और इसमें ये फोर क्वाड्रेंट हमने यहाँ पे बना लिया ये देखो ये रेडियस इसकी कितनी है वन यूनिट है अब आप यहाँ पे क्या करो इसके सर्कम फ्रेंस पे हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एक प्वाइंट लेती हूँ पी और लेट की ये हमारा यहाँ पे एंगल बना रहा है एक्स रेडियन का तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया एक्स रेडियन का एंगल बना रहा है ओके तो एक्स रेडियन हम अभी एंटी क्लॉक है तो रेडियन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा ओके तो ये अब आप यहाँ पे देखो अभी तक हमने जो एंगल्स हमने फाइंड किए थे उससे पहले जो टेबल बनाई थी वो हमने एक्सेस के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे यानी जीरो कॉस जीरो साइन जीरो कितना है कॉस फाइव बाई टू साइन पाई बाय टू कितना है कॉस पाई साइन पाई कितना है तो कॉस यहाँ पे थ्री पा बायू साइन पाई बाय टू कितना है तो ये जो एक्सेस पे जो हमने एंगल्स फाइंड किए थे उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल्स ओके बट अब हम जो बात करेंगे अब यहाँ की करेंगे अंदर जो आपके ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी कि आपका यहाँ पे एंगल था जीरो यहां एंगल था आपका

से तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि पाई/2 के इक्वल हो गया तो ये तो क्वाड्रेंट एंगल हो गया जो एक्सिस पे हुआ तो अब x पाई/2 से बड़ा होना चाहिए और पाई से आपका क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए फिर नेक्स्ट इस क्वाड्रेंट के लिए अगर हम एंगल देख रहे हैं तो ये होना चाहिए पाई से बड़ा और 3 पाई/2 से छोटा और इसके लिए हम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये x एंगल यहां पे होना चाहिए इस पॉइंट से बड़ा थ्री पाई बाय टू से बड़ा और इस पॉइंट से छोटा तो यहां पे जीरो भी होता है स्टार्ट किया तो जीरो भी है और टू पाई भी है तो टू पाई से आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए तो इन्हीं एंगल इन हम यहाँ पे इन जीरो से, से बड़ा यानी कॉस्ट थर्टी साइन थर्टी अगर फर्स्ट क्वार्टर में आपका यही आएगा इस एंगल के यहाँ पे जीरो से लेके पाई बाय टू वाले एंगल ही होंगे जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी इस तरह से एंगल होंगे जैसे ही बड़े हो गए नाइन्टी से बड़े आपके चले गए तो नाइन से बड़े आपके सेकंड क्वार्टर में आ जाएंगे तो वन

अब लेट की ये एक्स रेडियन का एंगल फर्स्ट क्वार में बन रहा है और अब यही एंगल यहां ना बन के ये पी पॉइंट आपका अब यहां आ गया ठीक है फर्स्ट क्वारंट से जाकर निकल के अब ये एंगल आपका यहां आ गया तो ये एंगल अब इस तरह से लाइन हमारी ड्रॉ हो गई तो ये एक्स रेडियन अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे और इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं ओके पी पॉइंट हमारा सेम है जो क्वारेंट है वो तो हमारे सेम चल रहे लेकिन एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है तो ये साइन हम अब इसके बाद देखेंगे तो ये एंगल अब हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये पहले इतना एक्स रेडियन था लेट के अब हमें एंगल इतना ना देखे इतना एक्स दे दिया यहा तो इसको एक्स वन ले लो इसको एक्स टू ले लो तो ये यहाँ पे भी पी ए बी ए यहाँ पे भी क्या हो गया जो अगर क्वार्डन देखे तो ये कॉस एक्स होगा ये साइन एक्स होगा फिर अब लेट के हमें ये एंगल ना देखे हमें और बड़ा एंगल दिया जो कि हमारा थर्ड क्वार्डन तक जा रहा है तो ये एंगल हमारा यहाँ तक पहुंच जाना है तो ये P point अब ये वाला हो गया इसको हम x3 एंगल ले लेते हैं तो ये पी ए बी पॉइंट हमारा यहाँ हो गया तो इस तरह से हम एंगल ले सकते हैं ना पूरे सेतल में हम इस पॉइंट पे भी एंगल ले सकते हैं इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं तो अभी भी इसके कार्डिनेट कॉस एक्स साइन क्योंकि हमारा एंगल थोड़ी ना चेंज हुआ है ये ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स 1, 1 वन x1 x1 कर दो यहां x2 है तो x2 x2 कर लो यहां x3 तो x3 x3 कर लो बट एंगल हम यहां पे अगर हम एक ही बार राउंड लगा रहे हैं अगर सिर्फ यहां तक आ रहे तो एक एंगल हम ले सकते हैं और यही पॉइंट अगर लेट के मेरा यहां आ गया फोर्थ क्वार्टर में आ गया तो ये मेरा P यहां पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स्ट ओके तो रेडियन मेरा अगर एंगल चेंज होता है अब सिंपल सी एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ी है वही आपको यहाँ हेल्प करेगी फर्स्ट क्वार के अंदर सारे जो कॉर्डिनेट्स होंगे उन सारे कॉर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं ठीक है जैसे एक्स कॉर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये चीज आपको सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है उससे आपको साइन इजीली पता चल जाएंगे ठीक है ये देखो ये आपका आ, मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ ओके okay, तो ये हम मैंने यहां पे ग्राफ में दोनों एक्सेस ड्रॉ कर लिए तो ये यहाँ पे ऑरिजन से राइट साइड में एक्स पे ये वन टू थ्री फोर फाइव होता है लेफ्ट साइड में नेगेटिव और ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव तो इस फर्स्ट क्वार में हमें यहाँ पे यानी फर्स्ट आपका जो ब्लॉक है इसमें आपको जो भी कॉर्डिनेट पुट करोगे तो वो हमेशा उनकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव पॉजिटिव होगी क्योंकि ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि मुझे टू थ्री पॉइंट प्लॉट करना है की मुझे टू थ्री पॉइंट प्लॉट करना है तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ तक चलेंगे थ्री हम ऊपर तक आ जाएंगे दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी फिर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो, 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 तो कोऑर्डिनेट आएगा और y आपका नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट आपका आएगा यहाँ पे पॉजिटिव अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव तो दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे नेगेटिव आपने किए हैं ना क्वेश्चन नाइन्थ में भी किए टेंथ में भी किए आपको कॉर्डिनेट नाइन्थ में आपने किए कोर्डिनेट डी में आपको प्लॉट करना तो साइन के अकॉर्डिंग देखते हो ना कि ये कौन से क्वार्डेंट में होगा तो बस यहाँ पे भी वही है फिर अगर इस फोर्थ इस क्वारेंट की बात करें फोर्थ क्वार्डेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होता है और वाई आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है तो बस यही साइन आपको यहाँ पे ध्यान देना देखो चारों में ही कॉज साइन क्योंकि ये जो कॉर्डिनेट हम लिख रहे हैं वो इन कॉस साइन कॉस साइन ही है लेकिन उनके साइन है अगर वो यही कॉस साइन फर्स्ट क्वार में आता है तो दोनों पॉजिटिव होंगे यही कॉस साइन अगर आप सेकंड क्वार में आता है तो कॉस आपका नेगेटिव होगा साइन पॉजिटिव होगा और अगर आपके थर्ड क्वार्टन में आता है तो दोनों ही कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव होंगे और अगर फोर्थ क्वार्टन में आता है तो आपका कॉस पॉजिटिव होगा और साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा और इसी की हेल्प से हम अदर जो रेशियो हमारे हैं या अदर जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो देखो अभी हमने जस्ट देखा थर्ड क्वार में हमारा एक्स और y दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव और साइन यहां पे हो गया नेगेटिव यानी कि यहां पे आपका एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव y एक्सिस होती है नेगेटिव अब इसी से हम हमारी वैल्यू लिखेंगे तो अब आप यहां पे देखो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं यानी cos x sin x फिर नेक्स्ट हो गया आपका tan एक्स फिर यह हम कॉस का अपोजिट हो गया सेक एक्स साइन का हो गया आपका अपोजिट कॉसिक एक्स और कॉट टेन का अपोजिट हो गया

तो सेक भी आपका यहां पे क्या हो जाएगा सेक एक्स भी आपका नेगेटिव साइन होता है वन बाय कॉसेक तो ये कॉसेक यह एक्स यहां पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव फिर tan और cot अगर आप यहाँ पे देखो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x तो sin अपॉन cos आ गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो ये आपका नेगेटिव ही रहेगा और cot x भी यहाँ पे आपका क्या हो जाए cos अपॉन sin tan नेगेटिव है तो cot 1 अपॉन tan होता है ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव तो यही सारी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे देखो ओके तो ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लिए हो ठीक है अब थर्ड क्वार्डन में देखो थर्ड क्वार में आपका यहाँ पे कॉस एक्स भी नेगेटिव साइन आ रहा है और साइन एक्स का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव है तो कॉस एक्स इक्वल टू नेगेटिव साइन का है यानी कि कोई भी आपको थर्ड क्वार्डन में का है तो कॉस एक्स आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा और साइन एक्स भी यहाँ पे आपका क्या है नेगेटिव साइन का है तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट फाइन करो अगर कॉसेक्स चाहिए कॉशेक्स वन अपॉन साइन है तो आप नेगेटिव साइन वन अपॉन माइनस वन तो आपका यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा साइन नेगेटिव

कॉस एक्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन एक्स यहाँ पे आपका क्या है नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट तो आपको याद रह जाएंगे इससे हम इजीली लिख रहे हैं कॉस पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि कॉस क्या होता है वन अपॉन सेक होता है अब साइन sin, तो साइन sin अगर नेगेटिव है तो कॉसेक भी आपका यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि कॉशेक क्या होता है वन अपॉन साइन होता है इसलिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो टेन एक्स तो टेन एक्स होता है आपका साइन बाय कोस तो कॉस और साइन में से अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉर्टेक्स भी यहाँ पे नेगेटिव हो गए क्योंकि tan x आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो ये तो हमने सारा यहाँ पे फाइंड कर लिया अब किस क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव -कौन है वो अगर आपको देखना है तो इस तरह से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके सारे ही पॉजिटिव है ये सारी वैल्यू ही यहां पे क्या है पॉजिटिव है ओके okay? फिर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको देखना है तो sin x sin x का उल्टा कॉसैक्स पॉजिटिव ये दो पॉजिटिव बाकी सारे रेस्ट रेस्ट ऑफ जो बचे हुए हैं वो सारे नेगेटिव थर्ड क्वार की बात करेंगे तो थर्ड में आपका टेन एक्स पॉजिटिव है और कॉट एक्स पॉजिटिव है बाकी सारे बचे हुए नेगेटिव और फोर्थ क्वार की अगर आप यहां बात करें तो फोर्थ क्वार में आपका कॉस एक्स पॉजिटिव सेक एक्स पॉजिटिव तो आप यहाँ पे देखो इसको सिंपल से इस तरह से याद कर सकते हो टेंथ क्लास में मैंने आपको बताया था ना पी आपको ये याद रहेगा देखो ए एस टी सी भी अगर आप ले लो या एड शुगर टू कॉफी भी ले लो तो ए से आपका ऑल हो गया एस से आपका साइन हो गया टी से आपका टेन हो गया सी से आपका कॉस हो गया लेकिन साइन के पेरिंग वाला कौन पॉजिटिव है इसमें अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो इस तरीके से याद रखो ये आपको याद रखा था ना पी बी पी अपॉन एच एच बी तो पंडित भोले प्रसाद या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले तो ये देखो पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा ये बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा पी अपॉन एच होता है आपका टेन थीटा तो इससे आप याद रखो साइन के नीचे जस्ट क्या आ रहा है कौसेन कौस फिर ये होता है एक फिर ये होता है सेक और ये होता है कॉट तो आप यहाँ पे इस तरह से याद रख लो कि ये साइन इन दोनों की पेयरिंग आपकी क्या रहेगी सेकेंड प्लान साइन के साथ आपका कौशिक आएगा

है बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है इसको इसी से लेकर के हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे जहां पे आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि साइन कॉस्ट 270 या 370 एंगल फाइंड करो या फिर इस तरह से आ सकते हैं आपको एंगल की कॉस एक्स अगर आपका जैसे मैं आपको यहाँ पे देखती हूँ जैसे हम इस तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर साइन एक्स इक्वल टू थ्री बाय फाइव है और एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स आपका यहां पे क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है एक वैल्यू आपको दी हुई है और आपको कहा है कि जो एंगल है एक्स रेडियन का वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप बाकी की वैल्यू फाइंड करो तो बाकी की वैल्यू तो आप यहाँ पे थ्री बाय फाइव तो आप जैसे हमने लास्ट टेंथ क्लास में किया था रेशियो आइडेंटिटी uh, लगा के थ्री आइडेंटिटी लगा के उसको फाइंड कर लेंगे लेकिन साइन किसके साथ कौन सा है?

थर्ड क्वार्टर में टेन और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करें या इन साइन का हम कैसे यूज करें अब इसी से एक और यहाँ पे देखते हैं एक और चीज जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ तो नेक्स्ट और आपको जो यहां पे याद रखना है वो है कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है और साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है तो इसका क्या मतलब है तो आप यहां पे देखो जैसे मैं एक्स की जगह लेती हूं सिक्सटी डिग्री तो कॉस माइनस सिक्सटी डिग्री जो होगा वो कॉस सिक्सटी डिग्री के इक्वल होगा अगर ये एंगल आपको नेगेटिव दिया है तो कॉस में अगर वो एंगल नेगेटिव है तो वो इक्वल में क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन साइन में वो पॉजिटिव नहीं होगा वो आपका माइनस कहाँ आ जाता है बाहर आ जाता है साइन माइनस सिक्सटी डिग्री आपका यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन डिग्री होगा तो ये क्यों होगा तो इसको भी समझने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे और वहीं से इसको हम यहां पे समझेंगे तो ये मैंने एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना लिया यूनिट रेडियस का सर्कल मतलब हो गया कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहां पे वन यूनिट है ओके अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉज की कंडीशन में जो नेगेटिव एंगल है वो पॉजिटिव एंगल के इक्वल हो रहा है लेकिन साइन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो माइनस यहाँ पे क्या है बाहर आ जा रहा है तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे एक क्लॉकवाइज रोटेशन में एक एंगल बनाते हैं एक्स रेडियन का और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं एक्स रेडियन का दोनों एंगल सेम रहेंगे लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें क्या रहेगा एंगल uh, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा तो ये मैंने यहाँ पे लेट की यहाँ पे कोई पॉइंट है पी ए बी तो ये ए बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे सेंटर के साथ में एक्स रेडियन का एंगल बना रही है ओके okay, और सेम आप यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक पॉइंट ले लो ये पॉइंट ले लिया बट इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे इस पी के कोऑर्डिनेट आपके ए बी नहीं होंगे अब आप क्योंकि ये एक्स एक्स सिक्स क्या होती है पॉजिटिव होती है यहाँ पे वैल्यू क्या होती है वन टू थ्री फोर पॉजिटिव होती है यहाँ पे वैल्यू होती है वन टू थ्री फोर पॉजिटिव होती है बट यहाँ पे वैल्यू क्या होती है माइनस वन माइनस टू ये हमारी एक्सिस से तो है तो माइनस थ्री माइनस फोर इस तरह से वैल्यू होती है तो ये जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव क्यों हो रहा समझ में आ गया ना क्योंकि ये नेगेटिव नीचे की इसकी जो हाइट है वो हम वर्टिकली ऊपर चलते हैं तो बी पॉजिटिव होगा वर्टिकली नीचे चल रहे तो बी यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये हमारा कॉर्डिनेट हो गया पी जो ए कॉमा माइनस बी हो गया

इतनी बार यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो ये कोऑर्डिनेट हमारे कॉस एक्स साइन एक्स होते हैं बट यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव है तो ये कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे कॉस माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स हो गया ठीक है तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो बी और ये बी हमने यहाँ पे लिखा और ये माइनस बी लिखा वो क्यों है तो देखो मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर, तो कर दिया तो इस लाइन को जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे दोनों के यहाँ पे हाइट को जब मैंने इस एक्सिस से ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे हो गए हैं ओके okay, तो मैंने दोनों ट्रायंगल को यहां पे हाईलाइट कर लिया अगर आप यहां पे देखो तो दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रुवेंट है कांग्रुवेंट क्यों है क्योंकि तो दोनों के एंगल यहां पे एक्स सेम है सिर्फ डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव है ये थर्टी है तो ये भी आपका थर्टी है लेकिन जो साइन होता है वो आपका सिर्फ रोटेशन को बताता है कि ये रोटेशन आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये थर्टी ये भी थर्टी ये साइड आपकी यहाँ पे कॉमन हो गई तो ये यह यहां से यहां तक क्या होगा ये आपकी एक्स एक्सिस पे है ना तो ये फर्स्ट कॉर्डिनेट ये जो है हाँ आपका यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी ए यूनिट हो गई तो ये भी दोनों के लिए कॉमन है और रेडियस जो है आर दोनों के लिए कॉमन है तो इसी इसी से लेकर के एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस आपके सिर्फ क्या हो रही है पॉजिटिव हो रही है क्योंकि यहां फर्स्ट क्वारन में है, तो बी पॉजिटिव है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो रही है क्योंकि ये यह आपका यहाँ पे क्या है फोर्थ क्वारन में आपका क्या होता है ये जो वाई क्वार वो आपका नेगेटिव होता है तो इसीलिए लेकिन ये बेस आपका सेम है एक्सिस ये दोनों के लिए सेम है इसलिए कॉश एक्स तो दोनों कंडीशन में आपका पॉजिटिव रहा चाहे एंगल आप एक्स ले लो चाहे एंगल आप माइनस ले लो लेकिन कॉस एक्स यहां भी ए ही रहा यहां भी ए ही रहा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू आपका कॉस एक्स ही रहा क्योंकि बेस दोनों का क्या है कॉमन है लेकिन अगर आप यहां पे देखो ये बी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्डन में वाई वाई कॉर्डिनेट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वार्डन में वाई कॉर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है तो ये इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस का साइन एक्स हो गया यहां पे बी है माइनस बी है तो इसीलिए यहाँ पे ये साइन यह आपका यहाँ पे चेंज हो गया तो ये चीज भी आपको यहां पे याद रखनी है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि कॉस में नेगेटिव अगर एंगल है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन साइन में अगर नेगेटिव एंगल तो वो पॉजिटिव नहीं होगा वो नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा तो कॉस और साइन में अगर आपको पता है तो बाकी चार आप रेशु यहां पे इजीली लिख सकते हो ओके okay, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन लिखा वो आप समझ लेना कि कॉज में एंगल चाहे पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव रहेगा कॉज में एंगल नेगेटिव है तब भी आपका पॉजिटिव होगा साइन में एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा ओके तो ये तो चीज हो गई हमारी इंपॉर्टेंट ये, ये भी याद रखने की है ये भी याद रखने की है ये भी आपको मैंने तरीके से बता दिया कि आप दो तीन चीज से इसको याद रख सकते हो रेशियो किसका किसके साथ आएगा वो आपको टेंथ से देख लेना है और चाहे एएसटीसी लिखो चाहे एड शुगर टू कॉफी समझो या फिर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास समझो ये आपका तरीका आप इसमें से जो भी आइडिया आपको सही लग रहा है उससे आप याद कर लो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ये यहाँ पे देख लिया है आपने यहाँ पे पिक्चर को फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो आप, आप एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो तो फर्स्ट क्वार्टन में आपके दोनों कॉर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वार्टन में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है थर्ड क्वार्डन में दोनों कॉर्डिनेट नेगेटिव होते हैं और लास्ट क्वार्डिनेट जो फोर्थ क्वार्डिनेट है वहां पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है तो इससे भी आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं हो कि कौन कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होगा नहीं तो सिंपल है ज्यादा उसमें टफ में नहीं जाना तो सिंपल सा इससे आप यहां पे याद रख लो ओके तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू